या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। ह्रीं शिवाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2023 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज रविवार 15 अक्टूबर 2023 है और आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन और नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती देवी दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ की कथा, मंत्र, भोग, रंग और माता का स्वरूप। यदि आप इस नवरात्र व्रत उपवास माता की स्थापना नहीं कर पाए हैं, तब भी श्रद्धा पूर्वक माता की कथा सुनने मात्र से आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, अतः इनको शैलपुत्री देवी कहा जाता है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्ति भाव से करने पर माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शास्त्र अनुसार कहा गया है कि माँ शैलपुत्री जी की आराधना करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। माता शैलपुत्री धन धान्य सौभाग्य सुख समृद्धि यश कीर्ति कराती हैं तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान कराती हैं। माता का स्वरूप। रंग गौर वर्ण। बैल पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प चंद्रमा माता के मस्तक की शोभा बढ़ाता है। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। बीज मंत्र। ह्रीं शिवाय नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। अन्य मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप यथा संभव जाप कर सकते हैं। प्रिय पुष्प, कनेर का पुष्प, सफेद पुष्प, लाल तथा पीले पुष्प माँ को अत्यधिक प्रिय हैं। प्रिय भोग, गाय का घी, गाय के दूध से निर्मित भोग। प्रिय रंग, लाल सफेद पीला। सुहागिन महिलाएं लाल वस्त्र धारण कर पूजा कर सकती हैं तथा अविवाहित कुमारी कन्या सफेद वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना करती हैं तो मन चाहा जीवन साथी योग्य जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। आरती कर्पूर से करें। माँ शैलपुत्री देवी की कथा। माँ दुर्गा जी को सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय जी के यहाँ जन्म होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। क्योंकि माता का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, अतः माँ वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। ये देवी प्रथम दुर्गा है। इन्हीं को सती माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब इनके पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो इन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर जी को नहीं किया। माता सती यज्ञ में जाने के लिए विकल उठी। शंकर भगवान जी ने कहा कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं है, परंतु माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने माता को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो केवल इनकी माता ने ही स्नेह दिया, बहनों की बातों में व्यंग तथा उपहास के भाव थे। यहाँ तक कि
भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष जी ने भी इनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इन सब बातों से माता सती को अत्यधिक क्लेश पहुंचा। माता अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी तथा योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर जी ने उस यज्ञ का ध्वंस कर दिया। यही देवी सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और देवी शैलपुत्री कहलाईं। माता पार्वती तथा हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। माता शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ तथा भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। इनकी शक्ति अपरंपार है तथा महत्व अनंत है। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री देवी की जय। दर्शकों, आप सभी को पुनः नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए हृदय से आभार। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। जय माता दी।